रोहित शर्मा ने आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात की है जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। रोहित शर्मा ने आज ब्रॉडकास्टर्स के बारे में एक ट्वीट लिखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। दरअसल रोहित शर्मा ने इस ट्वीट में ब्रॉडकास्टर्स जिस तरीके से क्रिकेटर की जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं उसको हाईलाइट किया है। क्रिकेटर्स को तमाम जिस तरीके से कैमरे में शो किया जाता है और जिस तरीके से क्रिकेटर्स पर कैमरे की निगरानी रहती है हर वक्त, चाहे मैच में ट्रेनिंग हो रही हो या फिर मुकाबले के बाद, जिस तरीके से प्लेयर एक प्राइवेसी चाहते हैं उस पर तमाम कैमरों की नज़रें रहती हैं और ब्रॉडकास्टर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इसको लेकर आज रोहित शर्मा का एक बहुत अहम ट्वीट आया है जो कि आंखें खोल देने वाला ट्वीट है। उन्होंने लिखा, क्रिकेटरों की ज़िंदगी इतनी दखलंदाजी वाली हो गई है कि कैमरे अब हमारे हर कदम और बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो हम अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ प्रशिक्षण, यानी उन्होंने इसमें ट्रेनिंग टाइम के बारे में कहा है कि दौरान या मैच के दिनों में एकांत में रहना चाहते हैं, तो ऐसे में कैमरे जो हैं वो उनको एकांत में नहीं रहने देना चाहते या नहीं रहने देते। स्टार स्पोर्ट्स से मेरी बातचीत को रिकॉर्ड ना करने के लिए कहने के बावजूद इसे ऑन एयर किया गया, जो कि गोपनीयता का उल्लंघन है। विशिष्ट सामग्री प्राप्त करने और केवल विचारों और जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता एक दिन प्रशंसकों, क्रिकेटरों और क्रिकेट के बीच के विश्वास को तोड़ देगी। बेहतर समझ बनी रहे। रोहित शर्मा ने इस ट्वीट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट की है कि जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर्स क्रिकेटर की ज़िंदगी में एकदम घुस जाते हैं, जिस तरीके से ट्रेनिंग के टाइम भी क्रिकेटर्स जो प्राइवेसी चाहते हैं उन पर तमाम कैमरों की निगरानी बनी रहती है और उनको शो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने इसको हाईलाइट किया है। और हमने इस आईपीएल में देखा है कि हीरो कैम के द्वारा एक खिलाड़ी को निरंतर हम देख सकते हैं। हालांकि ये एज अ फैन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स भी प्राइवेसी चाहते हैं और आज रोहित शर्मा ने इस बात को हाईलाइट किया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को हाईलाइट करके उन तमाम फैंस, ब्रॉडकास्टर समेत उन सभी लोगों की आंखें खोल दी हैं जो कि रोहित शर्मा या तमाम जिन क्रिकेटर को हर वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते थे। तो रोहित शर्मा ने ट्वीट करके इस बहुत इम्पोर्टेंट मसले को हाईलाइट किया है। अब देखना होगा कि इस तरीके से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है या फिर किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।